नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड की डेफिनेशन होती है द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड हाइड्राइड्स। जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको बोलते हैं हाइड्राइड्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स को भी हैलाइड्स की तरह हम क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है आयोनिक हाइड्राइड्स, नेक्स्ट है कोवलेंट हाइड्राइड और लास्ट है इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। जब क्या होगा कि फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगी, तब क्या बनते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स बनते हैं। कुछ बॉन्ड उनका इस तरह से होता है, यहां पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो लोअर मेंबर हैं, मतलब सेकंड ए जो है उसके लोअर मेंबर जो हैं वो क्या हैं मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, वो भी जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो वो भी आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब अगर इनके हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये है कि ये सॉलिड होते हैं। नजर कैसे आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और सोल्यूशन फॉर्म में, सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म, किस फॉर्म में सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन और सोल्यूशन। ये हो गए इनकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स थर्ड ए ग्रुप से लेकर 7A ग्रुप तक जितने भी मेंबर हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसका मतलब ये है जब थर्ड ए से 7A के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से वो क्या बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट हाइड्राइड्स की खसूसियात अगर हम देखें तो वो क्या होते हैं मोस्टली गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं या लो मेल्टिंग सॉलिड्स भी हो सकते हैं। अब अगर इनके हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये होता है ये नॉन कंडक्टर होते हैं इन गैसियस फॉर्म, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म ये क्या होते हैं नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होते। जब तक आयन नहीं बनते तब तक ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं बन सकते। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं क्योंकि इनमें वीक कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लेकिन कुछ कोवलेंट हैलाइड्स हाइड्राइड्स ऐसे हैं जिनमें क्या पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसा कि वाटर है H2OHF, वाटर H2OHF है, NH3 है, इनमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है एक्सेप्शनल केस, ये उनकी हो गई प्रॉपर्टीज। लास्ट है इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, गैलियम है, जब ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तब क्या बनते हैं इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये पॉलीमेरिक इनका स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने हैलाइड्स में बात की थी। तो क्या होगा वहां पे हाइड्रोजन एक्ट एज ए, यहां पे हाइड्रोजन क्या करेगा एक्ट एज ए ब्रिज। अब इनकी खसूसियात जो होती हैं कुछ आयोनिक कंपाउंड्स के साथ मिलती हैं और कुछ कोवलेंट कंपाउंड के साथ मिलती हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्या होते हैं
कोवलेंट इन नेचर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिवाय चंद एक के जो क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। जब इनके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल। ट्रेंड आप देख रहे हैं वेरिएशन इन पीरियडिक टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियड में बात कर लेते हैं। पीरियड्स में क्या होता है, आयोनिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम मतलब क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनका आयोनिक करेक्टर कम होगा। क्या होगा आयोनिक करेक्टर डिक्रीज होगा और क्या होगा कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। वजह क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करता है और आयोनिक करेक्टर डिक्रीज करता है। लेकिन सबसे जो स्टेबल है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है एंड अमोनिया एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इसके हाइड्राइड्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं इन ग्रुप। ग्रुप में हम मूव करते हैं, यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ब्रोमाइड है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब यहां पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये यहां पे एक्सेप्शनल केस मौजूद है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मोस्टली जो जर्नल है ये डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ऊपर ये सिर्फ एक्सेप्शनल कौन सा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एक बात याद रखनी है जो एमसीक्यूज में मोस्टली पूछी जाती है कि हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल किसके होते हैं, वो फ्लोराइड्स के होते हैं, और सबसे कम स्टेबल किसके होते हैं, लेड है, थेलियम है, बिस्मिथ है, इनके क्या होते हैं हाइड्राइड्स सबसे कम स्टेबल होते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्साइड्स की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या होगी, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन के बारे में मशहूर है पीरियडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ ये रिएक्ट करता है। अब इसके हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन की बुनियाद बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन जो एफएससी में आपके सिलेबस में दी हुई है वो है एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक बेस को। इसने क्या किया है, एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर और एम्फोटेरिक करैक्टर को इसने बेस बनाया है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, जब ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब ऑक्सीजन क्या करेगा कंबाइन होगा विद नॉन मेटल्स, तो रिजल्टेंट ऑक्साइड्स क्या होंगे एसिडिक इन नेचर। इसकी एग्जांपल है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये क्या है एसिडिक इन नेचर है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब ये क्या बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। तो नेक्स्ट है बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स तब बनते हैं जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है मेटल्स के साथ, जब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगा मेटल के साथ तो बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। इसकी एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड। जब हम इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस बनती है सोडियम
हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रांग बेस है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक की एग्जांपल में है जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मतलब उनमें डुअल नेचर होती है, तो उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक, मतलब एसिडिक नेचर भी शो करें और बेसिक नेचर भी शो करें। यहाँ पे जिंक है, जिंक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4+1, और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। वाटर इसलिए है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजॉल्व करना पड़ता है वाटर के अंदर, इसलिए हम वाटर यहां पे लिखते हैं। तो एक कंप्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कोई स्ट्रक्चर इस तरह से है। ये हो गए एम्फोटेरिक की एग्जांपल। नेक्स्ट है वेरिएशन इन पीरियडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीरियड्स में देख लेते हैं, डिफरेंट किस्म के हमें क्या दिए हुए हैं, ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम पीरियड्स में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर हम बात करें ये क्या है, स्ट्रांगली बेसिक है। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, स्ट्रांगली बेसिक है, और जब हम यहां लास्ट पे पहुंचते हैं 7A ग्रुप में तो ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीरियड्स के अंदर क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले वाला क्या है, बेसिक है, वेरी स्ट्रांग बेसिक, ठीक है। ये बेसिक इस तरह से ये क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, आगे वीकली एसिडिक, ठीक है, एसिडिक, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर शो करता है। तो पीरियड में हम क्या कह सकते हैं कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब बात कर लेते हैं ग्रुप में, ग्रुप में क्या होता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एग्जाम्पल दी हुई है डी मग का सर बड़ा, जो कि सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर हैं। यहाँ पे शो किया गया है बेरियम, स्ट्रॉन्शियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है एंड बेरिलियम है। बेरिलियम सबसे कम बेसिक है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम और सबसे ज्यादा बेसिक बेरियम है, ठीक है। तो आपकी जो बुक के अंदर दिया हुआ है ये रिवर्स दिया हुआ है, मतलब ये जो साइन है, मतलब बेरियम ऑक्साइड इस साइड पे होगा फिर साइन इस तरह से, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल सेम है जैसे बुक में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस इसमें चेंज है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा।